वंदे परमानंद माधवम भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयम् नववर्षस्य प्रारम्भे स्मः। अद्य आङ्ग्लवर्षस्य नववर्षः विद्यते, नववर्षम् अस्ति। तो अद्य नववर्षस्य भवतां समीक्षां संस्कृतजिज्ञासूनां संस्कृतविदुषां संस्कृत अध्येतॄणां समीक्षां च कृते नववर्षस्य मङ्गलकामनाः शुभकामनाः। इदं वर्षं भवतां जीवनं सम्यक् कुर्यात्, भवतां जीवने अस्मिन् वर्षे यशो वृद्धिः स्यात्, भवतां जीवनं मङ्गलमयं कल्याणयुतं च स्यात्। पुनश्च संस्कृतं प्रति भवतां समेषां रुचिः इतोपि संवर्धेत, इतोपि भवतां समेषां मनः संस्कृतं प्रति लगेत, भवन्तः सर्वे इतोपि संस्कृतं अधीयानाः भवेयुः। इयं संस्कृतसरणिः सर्वत्रैव प्रतिपदं प्रतिफलं च अस्मिन् वर्षे नववर्षे च संसरेत्, सर्वत्रैव प्रसरेत्, सर्वत्रैव व्याप्नुयात्। तथा एव इदं नववर्षं समेषां कृते शुभं मङ्गलं यशस्करं च भूयात् इति कामनया अद्याहं चाणक्यनीतिं पठामः। अत्र चाणक्यनीतेः प्रथमाध्यायस्य अत्र अन्तिमः श्लोकः विद्यते। नीतीनाम् अनुसरणं यदा वयं कुर्मः स्वकीयजीवने तदा एव नूतनता समायाति, व्यवहारे यदा नूतनता समायाति तदा एव किं भवति, अस्माकं जीवनं परिष्कृतं भवति, अस्माकं व्यवहारः परिष्कृतः तदा एव अस्माकं जीवनं परिष्कृतं भवति। यल्लभ्यमस्ति तत् अस्माभिः प्राप्यते। अतः नीतिः नयनस्य कार्यं तु करोति, यदा नयति तदा नूतनता समायाति। अस्मिन् आङ्ग्लवर्षे नूतनता इदानीम् आगता अस्ति, प्रथमोऽयं दिवसः वर्तते। अस्मिन् शुभे दिवसे वयं चाणक्यनीतेः अन्तिमश्लोकः अस्माभिः पठिष्यति। पश्यन्तु, नारीणां विषये अस्मिन् श्लोके उक्तः विद्यते। नारीणां तत्र कः स्वभावः, पुनश्च तासाम् आहारविषये, तासां बुद्धिविषये, पुनश्च तासां साहसविषये, पुनश्च तासां कामविषये अस्मिन् श्लोके निगदितं वर्तते। तो तर्हि नववर्षस्य शुभकामनाः प्रदाय इदानीं भवतां जीवने यशः समृद्धिः कामयमानः अहम् इदानीं तत्र अद्यतनं पाठम् आरभे। स्त्रीणां द्विगुण आहारो बुद्धिस्तासां चतुर्गुणा साहसं षड्गुणं चैव कामोष्टगुणो उच्यते। स्त्रीणां द्विगुण आहारो बुद्धिस्तासां चतुर्गुणा साहसं षड्गुणं चैव कामोष्टगुण उच्यते। तर्हि वयं पश्यामः अत्र कानि सन्ति संधियुक्तानि पदानि, पश्यन्तु एकवारं। स्त्रीणां द्विगुण आहारः, द्विगुणः आहारः इति द्विगुण आहारो,
अतः अत्र यदा पृथक् कुर्मः तदा द्विगुणः पुनश्च आहारो आहारः पुनश्च बुद्धिस्तासां बुद्धिः तासां पुनश्च चैव च एव कामोष्टु गुण उच्यते कामः अष्टगुणः उच्यते इति कामोष्ट गुण उच्यते। तर्हि वयं दृष्टवन्तः कानि सन्ति संयुक्तानि पदानि। पुनश्च एकवारं पुनः पश्यन्तु, द्विगुणः आहारः बुद्धिः तासां च एव कामः अष्टगुणा इति। एतानि सन्ति संयुक्तानि पदानि, वयं पृथक् कृत्वा तेषां परिचयम् इदानीं वयं स्वीकृतवन्तः। पश्यन्तु अत्र अन्वयः, अस्य श्लोकस्य कः अन्वयः भवति एकवारं वयं पश्यामः। स्त्रीणाम् आहारः द्विगुणः, स्त्रीणाम् आहारः द्विगुणः भवति, तासां बुद्धिः चतुर्गुणा भवति। पुनश्च तासां साहसं षड् तासां साहसं षड् गुणं तासां कामः अष्टगुणः तासां कामः अष्टगुणः उच्यते। एवम् उच्यते इति क्रियायाः प्रयोगः अन्ते अस्ति। यदि वयं भवति इति क्रियायाः समाहारः क्रियते चेत् तर्हि स्त्रीणाम् आहारः द्विगुणः उच्यते, तासां बुद्धिः चतुर्गुणा उच्यते, तासां साहसं षड् गुणम् उच्यते, तासां कामः अष्टगुणः उच्यते। एवमेव भवति इति क्रिया याः यदि आनयनं वयं कर्तुं शक्नुमः तर्हि कर्तुं शक्यते। परन्तु अत्र उच्यते इति क्रियायाः प्रयोगः अन्ते अस्ति, तर्हि एतस्याः क्रियायाः अपि आनयनं कर्तुं शक्यते। अतः एवमपि भवितुं शक्नोति, स्त्रीणाम् आहारः द्विगुणः उच्यते, तासां बुद्धिः चतुर्गुणा उच्यते, तासां साहसं षड् गुणम् उच्यते, तासां कामः अष्टगुणः उच्यते च एव। पश्यन्तु इदानीं वयं दृष्टवन्तः अत्र अन्वयम्। इदानीं वयं समस्तपदं पश्यामः। द्विगुणः, द्विगुणः आहारः, अत्र आहार और द्विगुण इत्यनयोः पदयोः मध्ये समता अस्ति, समानता विद्यते। अत्र द्विगुण इत्यस्मिन् पदे समासः वर्तते, द्वौ गुणौ यस्य सः इति द्विगुणः। द्विगुणः कः? आहारः। अतः द्विगुण इत्यस्मिन् पदे बहुव्रीहि समासः विद्यते। चतुर्गुण, तो चत्वारः गुणाः यस्याः, सा इति चतुर्गुण, या चत्वारः गुणाः यस्याम्, चत्वारः गुणाः यस्याम् सा इति चतुर्गुण। चतुर्गुण इत्यत्र बुद्धि इति पदस्य विशेषणं विद्यते। पुनश्च द्विगुण, द्विगुणः इत्यत्रापि द्वौ गुणौ यस्मिन् सः द्विगुणः, एवम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। षड् गुणं, षड् गुणं, तु षड् गुणाः यस्मिन् तत् षड् गुणम्, अत्र षड् गुणं साहसस्य विशेषणं वर्तते, अत्रापि बहुव्रीहि समासः वर्तते। कामोष्टगुणः, कामः अष्टगुणः, अर्थात् अष्टौ गुणाः यस्मिन् सः अष्टगुणः, कः? कामः।
कामः कः कीदृशः वर्तते, अष्टगुणः वर्तते। अतः अष्टगुणः इत्यत्र तत्र बहुव्रीहिः समासः वर्तते, अत्र अष्टगुण इति पदं काम इति पदस्य विशेषणं विद्यते। और अस्य वाक्यस्य क्रिया अस्ति अन्ते उच्यते। उच्यते इति क्रियायाः समाहारः प्रत्येकस्मिन् वाक्ये अस्माभिः करिष्यते, तर्हि प्रत्येकवाक्यस्य अर्थः स्वयमेव बोध्यः भवति। अत्र पश्यन्तु, स्त्रीणाम् आहारः द्विगुणः उच्यते, तासां बुद्धिः चतुर्गुणा उच्यते, तासां साहसं षड्गुणं च एव, तासां कामः अष्टगुणः उच्यते एव। तर्हि उच्यते इति क्रियायाः प्रयोगः सर्वेषां वाक्यानाम् अन्ते वयं करिष्यामः, तदा एव वाक्यार्थः सम्यक् बोध्यः भविष्यति। अत्र वयं पश्यामः परिचयं। स्त्रीणाम् अजन्त ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः, तत्र षष्ठी विभक्ति बहुवचने भवति स्त्रीणाम्। द्विगुण द्विगुणः अजन्त अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः, प्रथमा विभक्तौ एकवचनं विद्यते अस्मिन् पदे। आहारः अजन्त अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः, अस्मिन् पदे अस्ति प्रथमा विभक्ति एकवचनं। बुद्धिस् अत्र अजन्त इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः, प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। तासाम् इत्यत्र तत्सर्वनाम शब्दस्य तस्य सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ बहुवचने भवति तासाम्। पुनश्च चतुर्गुण इत्यत्र अजन्त आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः वर्तते, अस्मिन् पदे प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अस्ति। पुनश्च तासां तृतीये वाक्ये साहसं षड्गुणं चैव, पुनश्च तासाम् इति पदस्य आनयनम् अस्माभिः अत्र विधेयं। तासां साहसं अजन्त अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः विद्यते, प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अस्ति अस्मिन् पदे। षड्गुणम् अत्रापि अजन्त अकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द अजन्त अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः, अस्मिन् अस्ति प्रथमा विभक्ति एकवचनं च इति समुच्चयार्थे अव्ययम् एवमपि एव इति अव्ययम्। कामः इति अजन्त आकारान् पुल्लिङ्ग शब्दः, अस्मिन् प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। अष्टगुणः अजन्त आकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः अष्टगुणः विद्यते, अत्र प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विद्यते। उच्यते तत्र वच् परिभाषणे धातोः, तत्र कर्मणि अयं प्रयोगः विद्यते। तर्हि वयं दृष्टवन्तः अत्र का पदानां परिचयं, पुनश्च अत्र समागतानां पदानां वयं व्याख्यां कुर्मः। स्त्रीणां कलत्राणाम् आहारः भोजनं, द्विगुणं भोजनं द्विगुणं, पुनश्च परं द्विगुणं केषाम् अपेक्षया नराणाम् अपेक्षया एवं द्विगुणम् इति पदस्य कथनेन अत्र तुलना अत्र प्रदर्शिता भवति। एतदर्थमेव अत्र अस्माभिः अपेक्षया येषामपेक्षया अत्र उच्यते तस्य नामेव अस्माभिः अत्र उल्लेखिष्यति। पश्यन्तु, स्त्रीणां कलत्राणाम् आहारः भोजनं, नराणाम् अपेक्षया मनुष्याणाम् अपेक्षया द्विगुणं द्विगुणितं वर्तते। पुनश्च तासां स्त्रीणां बुद्धिमतिः चतुर्गुणात्मिका वर्तते। बुद्धि चतुर्गुणात्मिका उच्यते कथ्यते। पश्यन्तु पुनः, स्त्रीणां कलत्राणां
आहार भोजनम द्विगुणः द्विगुणितम् उच्यते कथ्यते पुनश्च तासाम स्त्रीणां बुद्धि मति चतुर्गुणा चतुर्गुणात्मिका च उच्यते कथ्यते तासाम स्त्रीणां साहसम षड्गुणं षड्गुणात्मकं च निगद्यते उच्यते कथ्यते च तासां स्त्रीणां कामः अष्टगुणः अष्टगुणात्मकः उच्यते कथ्यते एवं कामः इति प्रसिद्धः शब्दः कामः इति अतीव प्रसिद्धं पदं विद्यते साहसम् इति अपि अतीव प्रसिद्धं पदमस्ति अतः केवलं व्याख्यायामेव साहस इति पदं यदि अस्माभिः प्रयुज्यते चेत् तर्हि नास्ति कापि हानि पश्यन्तु वयं पश्यामः अत्र कः सरलार्थः अस्ति अस्य श्लोकस्य वयं पश्यामः अत्र आचार्यचाणक्यः कथयति नराणाम् अपेक्षया स्त्रीणाम् आहारः द्विगुणः भवति स्त्रीणाम् आहारः द्विगुणः भवति तासां स्त्रीणां बुद्धिः अपि नराणाम् अपेक्षया चतुर्गुणा भवति चतुर्गुणा विद्यते तासां साहसम् अपि इतोपि वर्धितमस्ति षड्गुणं च पुनश्च स्त्रीणां कामः नराणाम् अपेक्षया अष्टगुणः भवति एवम् आशयः अत्र आचार्यचाणक्यः स्त्रीणाम् आहारविषये स्त्रीणां बुद्धिविषये स्त्रीणां साहसविषये स्त्रीणां कामविषये अस्मिन् श्लोके स्पष्टतया आचार्यचाणक्येन निगदितमस्ति अस्तु प्रथमस्तावत् कः आशयः वर्तते इति विशिष्टार्थं वयं पश्यामः आचार्यचाणक्यः कथयति यत् स्त्रियः नराणाम् अपेक्षया द्विगुणं भोजनं कुर्वन्ति द्विगुणं भोजनं कुर्वन्ति पुनश्च तासां बुद्धिः नराणाम् अपेक्षया द्विगुणात्मिका वर्तते पश्यन्तु सामान्यरूपेण वयं पश्यामः एकः मल्लः अधिकं खादति यदि अधिकं खादति तर्हि तस्य पार्श्वे बलमपि भवति सः बलं किं करोति तस्य बलस्य प्रयोगं सः करोति अतः यदधिक आहारः भवति तदधिकं बलं विद्यते अतः भवन्तः पश्यन्ति स्त्रीणां किमर्थम् आहारः द्विगुणितः भवति यतोहि स्त्रीणां पार्श्वे तत्र किं भवति परिवारे ते उषित्वा बहूनि कार्याणि सम्पादयन्ति पुत्राणाम् उत्पत्तिः स्त्रीभ्यः भवति यदि स्त्रीभ्यः भवति तदा एव किं भवति यदि स्त्रीणां स्त्रीभ्यः पुत्राणाम् उत्पत्तिः भवति तर्हि पुत्राणां पालनविषये किं कर्तव्यं विद्यते पालनविषये किं कर्तव्यं विद्यते बलस्य अपेक्षा भवति शारीरिकबलस्य अपेक्षा भवति यदि स्त्रियः द्विगुणम् आहारं न करिष्यन्ति चेत् तर्हि तद्बलं कुतः समागमिष्यति तद्बलं नैव आगमिष्यति तासां पार्श्वे अतः आचार्यचाणक्येन निगदितमस्ति स्त्रीणाम् आहारः नराणाम् अपेक्षया द्विगुणः भवति यतोहि स्त्री किं करोति पुत्रम् उदरे पालयति नवमासपर्यन्तम् उदरे रक्षति पुनश्च तत्र पुत्रं प्रसूय किं करोति तस्य पालनं पोषणं च विदधाति अतः वस्तुतः और पुत्रजननकाले एव वेदनाम् अपि
वेदना अधिका भवति तो ताम वेदनाम अपि सह स्वीकरोति तरहि तादृशी स्त्री एव किम् यदि दुर्गणितं भोजनं न करिष्यति तर्हि एतत् सर्वं कथं कर्तुं सः प्रभविष्यति एवं आशयः विद्यते। पश्यन्तु स्त्री एकस्मिन् परिवारे निवसति, परिवारे गुरवः जनाः गुरवः अपि भवन्ति, माता श्वश्रूः शुश्रूः च भवतः, पुनः पुत्राः पुत्र्यश्च भवन्ति, पुनश्च अन्ये पारिवारिकजनाः भवन्ति। तो तैः सह साम्यं किं क्रियते? तैः सर्वैः सह साम्यं स्त्रीभिः क्रियते। यदि स्त्रीभिः तैः सह साम्यं न क्रियते चेत् तर्हि परिवारः विखण्डितः भवति। अतः सर्वेषां समेषां सेवां पुनश्च समेषां वार्तां श्रुत्वा सः किं करोति? बहुविध उपायां अन्विष्यति, अन्वेषणं कुर्वति, सः दक्षा भवति, समस्यायाः निराकरणं भवति। एतदर्थमेव तस्याः बुद्धि कुशाग्रा भवति। अतः एतदर्थम् अत्र उक्तं विद्यते तासां बुद्धिः चतुर्गुणा। चतुर्गुणा कथं जाता? यतोहि परिवारस्थैः जनैः सह सामञ्जस्य स्थापयितुं सः बुद्धेः प्रयोगम् अधिकं करोति। एतदर्थमेव तस्याः बुद्धिः कुशाग्रा भवति। अतः नराणाम् अपेक्षया स्त्रीणां बुद्धिः चतुर्गुणात्मिका वर्तते इति इत्यत्र इति कथयति आचार्य चाणक्यः। साहसं षड्गुणं चैव। पश्यन्तु परिवारे कश्चित् रुग्णः सञ्जातः, तो रुग्णे सति किं करोति? स्त्री एव तं धीरं दापयति, अयि भो मास्तु, पीडा अस्ति तर्हि दूरी भविष्यति, यतोहि सः पीडाम् अवतीर्य एव पुनश्च पुनर्नवजीवनं प्राप्नोति नारी। यतोहि पुत्रप्रसवकाले किं कदाचित् स्त्रीणां मृत्युः अपि भवति, काचित् तत्र काश्चन स्त्रियः तु मृत्युम् अपि प्राप्नुवन्ति। किमर्थं? यतोहि तत्र वेदनायाः आधिक्यकारणात्। अतः इयं किं भवति? वेदनाम् अवतीर्य एव स्वकीयजीवनं पुनः स्थापयति। अतः तस्मिन् पीडाकाले, तस्मिन् विपत्तिकाले एव धैर्यं धृत्वा सा किं करोति? धैर्यं धृत्वा एव स्वात्मानं प्रमाणयति, साहसविषये स्वात्मानं प्रमाणयति, अयम् आशयः विद्यते। अतः षड्गुणं साहसं। वयं तु झटिति एव, मनुष्याः तु झटिति एव क्रुद्धाः भवन्ति, श्रुत्वैव एव तत्र क्रोधाग्निना ज्वलिताः भवन्ति, परन्तु स्त्रियः शान्ताः भवन्ति, तत्र सम्यक् रूपेण शृण्वन्ति, झटिति क्रोधं न कुर्वन्ति, ते तासु सहिष्णुता विद्यते, पुनश्च ते ताः किमपि अनिष्टं श्रुत्वापि धीरं धृत्वा धैर्यं धृत्वा किं बुद्ध्या एव निर्णयं नयन्ति। एतदर्थमेव तासां पार्श्वे साहसं षड्गुणं च भवति। पश्यन्तु यदि पुत्रः कस्याश्चित् स्त्रियाः पुत्रः यदि सङ्कटे भवति तर्हि सा अबला, सा शबला भवति, अधिकं साहसं प्रदर्शयेव महत् कार्यं कर्तुं सः प्रभवति। अतः साहसमपि षड्गुणं च भवति स्त्रीषु। कामोष्टगुणः उच्यते, कामः अष्टगुणः, तासु कामः अष्टगुणः उच्यते। आशयः वर्तते सामान्यतया मनुष्याणां संसर्गकाले वीर्यस्खलनात् वीर्यस्खलनस्य पश्चात्
तरही काम विरक्ति भवति, परंतु स्त्री सुतादृशी स्थिति न दृश्यते। स्त्री नाम कामः इतोपि नितरां वर्धिता भवति। अतः पश्यन्तु, यदि काचित् स्त्री कामदृष्ट्या संतुष्टा न भवति, तदा वेश्यादि विविध वेश्यादि प्रवृत्ति भूता भवति सा। अतः एवं वर्तते कामोष्ट गुण उच्यते। अतः अष्ट गुणः कामः वर्तते। कामेन एव पुत्रोत्पत्तिः संजायते, कामेन एव संस्कृति सृष्टि भवति। तो एतदर्थमेव स्त्रीषु कामस्य दर्शनम् अष्टगुणं दृश्यते, आशय वर्तते मनुष्याणाम् अपेक्षया। अतः कामविषये अपि नरैः ध्यानं दातव्यं, तदनुगुणमेव संसर्गमर्यादा स्त्रीभिः सह विधेया। अयम् आशयः उक्तः विद्यते अस्मिन् श्लोके। तो अब आज इस चाणक्य नीति के इस प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में हम हैं, और ये जो अंतिम श्लोक है, इस अंतिम श्लोक का क्या आशय है, उस अंतिम श्लोक के आशय को आज हम नव वर्ष के मंगल और पावन अवसर पर हम करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ नव वर्ष का प्रारंभ हो रहा है और चाणक्य नीति का ये अंतिम अध्याय, प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा संयोग है। कालिदास का श्लोक मुझे याद आता है, यात्रिक तो अस्त शिखरम पतिरोषधि नाम, यात्रिक तो अस्त शिखरम पतिरोषधि नाम, बहुत सुंदर कहा है वहां पर। एक तरफ चंद्रमा तो अस्त हो रहा है, दूसरी तरफ सूर्य उदित हो रहा है, एक तरफ नौ वर्ष तो आ रहा है, लेकिन इस एक तरफ अध्याय का समापन भी हो रहा है। तो ये दो तरफ की स्थितियां हैं, और दोनों को बीच में जोड़ने की बात कौन कर रही है? नीति। तो नीति हमारे जीवन में अगर अच्छी रहेगी तो वर्ष भी नए वर्ष में बनते रहेंगे, नया कारवा बनता रहेगा, जीवन में मंगलमय होगा। नीतियां बुरी होंगी, नीतियां सही नहीं होंगी, तो नव वर्ष भी हमारे लिए पुराण वर्ष हो जाएगा, पुरातन दुखमय वर्ष हो जाएगा। तो नई नीतियों के साथ यदि हम अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं, तो हमारे जीवन में मंगल, शुभ, यश और अनेक प्रकार के संसाधन हमें प्राप्त होते हैं। तो नीतियों को दृष्टि में रखते हुए मनुष्य को अपने जीवन का संचालन करना चाहिए, और इसी प्रसंग को लेकर के आचार्य चाणक्य इस श्लोक में बहुत ही सुंदर सी बात लेकर के उपस्थित हुए हैं। वो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज के आधार हैं, जिनसे एक सृष्टि का क्रम चलता है, सृष्टि आगे बढ़ती है। तो इन दोनों में नारी का क्या महत्व है, नारी की स्थिति पुरुष की अपेक्षा कैसी है, उसका दिग्दर्शन आचार्य चाणक्य इस श्लोक में करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्त्रियों का जो आहार है वो मनुष्य की अपेक्षा दुगुना होता है। इस पंक्ति का आशय वो इस तरह करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जो व्यक्ति जितना अधिक कार्य करेगा वो उतना ही उतनी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए वो आहार भी और दूसरे चीजों का सेवन भी करता है, ताकि वो उसके शरीर के द्वारा जो व्यय की गई ऊर्जा है उसे उसको प्राप्त हो जाए। तो वैसे भी सामान्य रूप से जानते हैं कि जिसका जितना बड़ा शरीर उतना उसका आहार, ऐसा भी प्रायः देखा जाता है। और सामान्यतः आप देखिए कि जो मल्ल होते हैं, जो पहलवान होते हैं, उनका आहार आप देख लीजिए, वो आहार आपको उनका अधिक होगा। क्यों? हो सकता है कि कोई पहलवान उतना शरीर से भारी भरकम ना हो, लेकिन आहार अच्छा होता है। उसका कारण ये होता है कि वो परिश्रम करता है, उतना ही वो परिश्रम करता है, उतने ही शरीर से ऊर्जा व्यय करता है। स्त्रियों में यह आहार मनुष्य की अपेक्षा दुगना क्यों कहलाई जाती है? क्योंकि एक स्त्री परिवार में अगर रहती है, जब वो बेटी रहती है तब भी पिता माता की सेवा करते हुए और परिवार के विविध कार्यों को करते हुए वो परिवार के मध्य रहती है, तो इस तरह उसकी जो ऊर्जा है
इन समस्त अनेक अनेक कार्यों में सुबह से लेकर शाम तक वो जो है व्यतीत होती रहती है। वो चाहे पिताजी हो, माताजी हो, या परिवार के कोई भी श्रेष्ठ लोग हों, उनकी आज्ञा का पालन करना और उनके अनुकूल काम करना, घर के अनेक प्रकार के कामों को संपादन करना, ऐसे और जो है पुत्रों का भी पालन करना, पुत्रियों का पालन करना, उन्हें जो है शिक्षा दीक्षा देना, उन्हें खिलाना पिलाना आदि बहुत सारे कार्यों में उनकी ऊर्जा खत्म होती है, जिस कारण से उनको ऊर्जा की आवश्यकता के लिए आहार अधिक लेना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों का आहार मनुष्य की अपेक्षा दुगना होता है। और बुद्धिस्तासां चतुर्गुणा, बहुत सुंदर बात कही है। देखो ऐसा है कि जो व्यक्ति परिवार में रहेगा और परिवार के सभी लोगों को संभालेगा, अपने पुत्रों को पुत्रियों को भी संभालेगा और अपने जो है पति को भी देखेगा, इसके बाद अपने सास ससुर उनको भी देखेगा, बाहर अतिथि आ रहे हैं उनका भी साज सज्जा, उनकी सेवा आदि के सभी ध्यान रखें, कोई पीड़ा हो गई, कोई समस्या हो गई, कोई झगड़ा हो रहा है, उनको भी संभालना, उनको भी व्यवस्थित करना। तो इन सब कार्यों में जो बुद्धि होती है स्त्रियों की, वो बिल्कुल मच जाती है, परिष्कृत हो जाती है और वो परिवार को व्यवस्थित कर लेती हैं। इसलिए बुद्धि उनकी कुशाग्र हो जाती है, मनुष्य की अपेक्षा चौगुनी हो जाती है। क्योंकि हम पुरुष क्या करते हैं, हम पुरुष तो कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा करने लगते हैं, क्रोध आ जाता है, डांटने लगते हैं, मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, लेकिन स्त्रियों में डांटना पीटना तो दूर रहा, वो धैर्य से उस बात को सुनती हैं और जितनी भी क्रोधमय विषय होगा, कलह विषय होगा, उसको प्रेम से आदर भाव से उसको यूं ही सुलझा लेती हैं और एक नया उपाय बता करके एक नई दिशा प्रदान कर देती हैं। तो इस तरह परिवार में सभी लोगों की बात को सुनते हुए और सभी लोगों को की इच्छाओं का सम्मान करते हुए और सभी लोग खुश रहें, कुछ नया ऐसे मार्ग बताते हुए, ऐसा कुछ मार्ग नया खोजते हुए परिवार में सामंजस्य स्थापित करती हैं स्त्रियां। इसलिए उनकी जो बुद्धि है वो वास्तव में क्या हो जाती है, चतुर्गुणात्मिका होती है। साहसम सर्वगुणम चैव, उनके अंदर साहस भी होता है। एक स्त्री जब एक पुत्र को उत्पन्न करती है तो मृत्यु से गुजरती है, कभी कभी बहुत सारी स्त्रियों को मृत्यु को भी प्राप्त हो जाना पड़ता है अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए। अब आप जानिए कि एक स्त्री अपने सौंदर्य को भी निछावर कर देती है अपने संतान के लिए, और संतान यदि वो कष्ट में पड़ जाए तो अपने को भी निछावर कर सकती है, ऐसी होती है स्त्री। तो स्त्रियों में जो साहस होता है वो कैसा होता है, पुरुषों की अपेक्षा 6 गुना होता है। वो पति की रक्षा के लिए भी वो अपने आप का समर्पण कर सकती हैं, अपने आप के भी प्राणों का निछावर कर सकती हैं। और ये तो हमारा इतिहास गवाह है कि जहां पर स्त्रियों ने क्या किया, स्त्रियों ने भी एक इतिहास बनाया। पद्मावती, महारानी पद्मावती की कहानी आप जानते हैं, उन्होंने अकेले ही अपनी बुद्धि चातुरी के माध्यम से राजा को छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद राजा की मृत्यु हो जाने पर भी अपने स्वाभिमान की रक्षा, अपने गौरव की उन्होंने रक्षा की। और साहस वहां पर उनका बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है कि जब वो राजा को छुड़ाने के लिए और बड़े बुद्धि विवेक से अलाउद्दीन खिलजी के पास जब संदेश भेजती हैं तो वह दृश्य बहुत ही सुंदर है, और स्त्री का साहस वहां पर दिखाई पड़ता है, स्त्री कितनी साहस हो। और कामोष्ट गुण उच्च कहा, अष्ट गुण काम, यानी स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा जो है 8 गुना काम होता है। आप संसर्ग मर्यादा में देखिए, संसर्ग मर्यादा के दौरान स्त्रियों के पुरुषों के स्खलित हो जाने पर भी स्त्रियों की जो काम है वो काम की संपूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए इसलिए संसर्ग मर्यादा में भी पुरुषों को स्त्रियों का सम्मान करते हुए और उसके अनुकूल कार्य करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि जो काम है वही उत्पत्ति का कारण है, काम के कारण ही उत्पत्ति होती है, सृष्टि होती है, और सृष्टि की आधारभूता
इस कार्य की जो आधार होता है वो स्त्री है। इसमें स्त्री में काम का प्रभाव ज्यादा रहता है क्योंकि उसमें प्रेम भी है, उसमें सहिष्णुता भी है, आदि सारे गुण हैं। तो इस कारण से काम का आधिक्य स्त्रियों में आपको अधिक मिलेगा और यही कारण है कि स्त्रियां को प्रेम का और प्रतिमूर्ति माना जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है कामोष्ट गुणा उच्यन्ते मणि नर की मनुष्य की अपेक्षा 8 गुना काम की बात कही गई है। तो इस प्रकार इस श्लोक में बहुत सुंदर बात स्त्रियों के विषय में कही गई है और उनकी निंदा नहीं उनकी प्रशंसा में आचार्य चाणक्य ने ये श्लोक कहा है, बहुत ही सुंदर श्लोक कहा है। तो अंत में आज का ये जो पाठ है, ये जो अध्याय है, हम यहीं पर इसकी संपूर्ति करते हैं और पुनः आप सभी इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे श्रोता दर्शक और हमारे छात्र जो भी जुड़ते हैं उनके लिए आज इस 9 वर्ष के पावन अवसर पर ये मेरा शुभ संदेश है कि आज आप सभी संस्कृत के प्रति निष्ठ रहें, संस्कृत को अपनाएं, संस्कृत में संभाषण करें और संस्कृत में विद्यमान जो साहित्य है उस साहित्य में विद्यमान जो ज्ञान विज्ञान है उसका आलोड़न विलोड़न करें ताकि आपका जीवन सुखमय समृद्धिमय शांतिमय हो और आपको नव मार्ग प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं।